और एक बार फिर से आपको मिला देते हैं। और पहले देख लीजिए क्योंकि मेरे से वेट नहीं हो रहा था। सब ये खड़ी है ऋषभ भाई की थार, मैसिव हो चुकी है भाई, समझ लो जम्मू के ऊपर। मैं अभी पूरा डिजाइन ही आपको दिखाऊंगा इसके ऊपर। यहाँ पे यहाँ तक आता था रेडिएटर, यहाँ तक हमने सब रिमूव कर दिया भाई इसका, ताकि नीचे से आपको कोई दिक्कत ही नहीं हमें। कितने कितने फुट का फर्क है आप ये देखो। जो हमारी थार है उसका सामान जो है, यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगा दी है, हम पाजी के पास पहुँच गए। ये खड़ी है एक थार, ये खड़ी है एक थार, वो खड़ी है, और वो जिप्सी खड़ी है यार। जिप्सी बहुत ज़्यादा कैपेबल है भाई, वो वाली जिप्सी जो है ना वो जिप्सी नहीं है, वो मतलब इतना ज़्यादा पैसा उस पर लगा दिया। और एक वो खड़ी है थार भाई, पाजी से अंदर मैंने मिल लिया था। और एक बार फिर से आपको मिला देते हैं, और पहले देख ली थी क्योंकि मेरे से वेट नहीं हो रहा था। तो ये है एंट्रेंस इनकी वर्कशॉप की, ये खड़ी है ऋषभ भाई की थार, मैसिव हो चुकी है भाई। समझ लो जम्मू की सारी गाड़ियाँ मेन मेजर जो है सारी यहाँ से होके गई हैं। अंतरिक्ष भाई की गाड़ी भी यहाँ से होकर चले गई है, आपने ऑफ रोड पर देख ही ली है। ये थार है एक, और ये खड़ी है इसूज़ू लिफ्ट के लिए, यहाँ पर जो है काम चल रहा है। और ये है भाई अपनी थार, ये है अपनी थार, इसके जो फेंडर हैं वो प्रिपेयर हो चुके हैं। और मतलब ये देख रहे हो ऊपर, इसके ऊपर मैं अभी पूरा डिज़ाइन ही आपको दिखाऊंगा। इसके ऊपर हमने इंटरकूलर लगाया, ताकि जो है नीचे से हमने सब हटा दिया इसका। ये देखो जो नीचे इसका रेडिएटर आता था ना, यहाँ पे आता था इसका रेडिएटर, यहाँ पे यहाँ तक आता था रेडिएटर, यहाँ तक हमने सब रिमूव कर दिया भाई इसका, ताकि नीचे से आपको कोई दिक्कत ही नहीं हमें। हमारी गाड़ी जो है बिल्कुल, तो भाई हाइट देखो गाड़ी की, हाइट देखो कहाँ आ रही है गाड़ी अब अपनी। और इधर आ जाओ भाई, और ये थार दिखा, ऐसे एक ही फ्रेम में दिखा दो। ये देखो भाई अपनी गाड़ी का जो फेंडर है ना वो यहाँ पे आ रहा है, और ये थार कहाँ लगा आपने मेरे कमर का, कितने कितने फुट का फर्क है आप ये देखो। और इतनी मैसिव लग रही है भाई, इतनी मैसिव लग रही है। इधर भाई, और ये देखो ये हाइट पे ये आएगी। अभी एक इंच गाड़ी और उठ गई जब इस पर डिफरेंशियल की चीज़ होगी। अभी ये कच्चा है, इसको पक्का करके डिजाइन मैंने पहले कर दिया। कैसे हो भाई, ठीक हो? तो भाई इस ये गाड़ी की हाइट आएगी, और फ्लैक्स सोचो क्या आएगा जब ये वाला टायर यहाँ पे होगा ना, पूरा और दो वाला नीचे होगा, आर्टिकुलेशन कुछ आएगी, और हाइट देखो और एक ही जो देगी यहाँ पे फाइनल हाइट देगी यहाँ पे आएगी। और अगर हम इसमें 42 इंच टायर डाल देंगे तो मुझे लगता है गाड़ी अपनी याद रहेगी। क्यों भाई? हाँ जी याद रहेगी, इतनी मैसिव लग रही है। और मन कर रहा है कि यार फटाफट तैयार हो, कौन सा वो दिन होगा जब मैं इसकी डिलीवरी नहीं आऊँगा। तो हाँ जी भाइयों, जो थार थी हमारी वो आपको मैंने दिखाई, और उसके बाद जो है हमें जिमनी काट के वहाँ से जल्दी कहीं जाना था, क्योंकि हम दिल्ली आए थे किसी वीज़ा के पर्पस के लिए। वीज़ा के लिए अप्लाई हमने कर दिया है, कहाँ किया है, कहाँ का वीज़ा अप्लाई किया है वो आपको मैं बताऊँगा। तो उसके बाद क्या है कि जो हमारी थार है उसका सामान जो है हमने ऑर्डर कर दिया था बहुत देर से। और सामान कैसे ऑर्डर होता है इसका, हमें मेल करनी पड़ती है, जिस कंपनी से हम सामान लेना चाहते हैं उनको मेल जाती है, और उनको पूरी डिस्क्रिप्शन के साथ सामान की हो जाती है कि हमें ये लिस्ट चाहिए, जैसे किंग पिन चाहिए या स्पिंडल चाहिए, बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं ये, तो चेक नट चाहिए। उसके बाद मतलब बहुत बड़ी लिस्ट होती है, समझ लो कि छोटी छोटी चीज़ें भी होती है उसमें, ह्यूज चीज़ें भी होती हैं, लॉकर्स होते हैं, हब्स होते हैं, इनर नकल होते हैं, रोटर होते हैं, ब्रेक के वो जो तवे होते हैं, रोटर्स वो भी होते हैं अगले पिछले, तो मतलब सामान काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये जो सामान है ये कम से कम आधा टन है, मतलब 500 kgs है, 5 quintals जो है मेरा सामान रहने वाला गाड़ी पे, जो सिर्फ बाहर से आ रहा है। अभी इसमें डिफरेंशियल जो है इंक्लूडेड नहीं है, डिफरेंशियल मेरा पहले ही आ चुका है वहाँ पर, उसकी फ़ोटो मैं यहाँ पर अटैच कर दूँ। और बाकी हम उनको मेल करते हैं कि हमें 100 and 100 सामान चाहिए, और इतने नट्स वाला, इतने बोल्ट्स वाला, इतनी कॉन्फ़िगरेशन वाला एक्सल चाहिए, तो इतनी लेंथ, उसके जो स्प्लाइंस होते हैं, टेक्निकल टर्म रहे हैं स्प्लाइंस कहते हैं, जितने उसके गियर्स होते हैं वो। और फिर जो वहाँ से है एक प्री इनवॉइस आता है, जब हमारे वहाँ प्री इनवॉइस आता है उसके साथ शिपिंग कैलकुलेट करके वो भेजते हैं, हमारा एड्रेस लेते हैं। तो जो शिपिंग है, सपोज़ करो अगर मेरा सामान आता है 25 से 30 लाख रुपये का कस्टम डाल के, तो जो शिपिंग है कम से कम 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए जो मेरे को शिपिंग भी पे करनी पड़ेगी। और उसके लिए जो है इंपोर्ट लाइसेंस भी चाहिए, जो मूविंग मटेरियल गैराजेस गगन पाजी के पास है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब हमें प्री इनवॉइस मिलता है तो हमें ना बैंक जाना होता है, और बैंक जाके हमको जो है इसका अपना प्री इनवॉइस वहाँ पर देना होता है, हमें बताना होता है कि हमें इस सामान के लिए इतना अमाउंट जो है उनके अकाउंट में डालना है। वहाँ पर जो है हमारे जो पैसे वो ब्लॉक कर लेते हैं वो, तो जो पैसा ब्लॉक हो जाता है हमारे अकाउंट से, फिर वो लगभग 3 वर्किंग डेज, मतलब वहाँ के वर्किंग डेज़ के हिसाब से, अमेरिका के वर्किंग डेज़ के हिसाब से जो है 3 दिन लगते हैं, और पैसे उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं फंड्स, तो इसलिए जो है थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें। ये सब होने के बाद वहाँ पर जो है पेमेंट वेरीफाई होती है, फिर जो है इनवॉइस जनरेट करते हैं, उसके बाद जो है सामान आता है, एयर आता है, इसलिए इसमें जो
शिपिंग है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है बाय एयर जो सामान आता है, तो जब वो लैंड होता है इंडिया में तो ऐसा नहीं है कि वो लैंड हो गया तो नॉर्मल बजट की तरह हमें मिल जाएगा, फिर वो कस्टम वाले जो है उसकी क्लियरेंस करानी पड़ती है, उसके लिए हमें एक एजेंट हायर करना पड़ता है रिलीज़ कराने के लिए, तो उसके बाद जो है एजेंट अपनी फ़ी वगैरह लेता है जो भी है, वो गवर्नमेंट का ऑफिशियल नहीं होता बेसिकली वो प्राइवेट ही अपना होते हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको मालूम होता है कैसे क्या रिलीज़ कराना है, लेकिन जो कस्टम ड्यूटी है वो तो बिल पे लगनी ही लगनी है। सपोज हमारा सामान 30 लाख रुपये का या हमारा सामान 28 लाख रुपये का, तो कम से कम 10-12 लाख रुपये जो है ऊपर शिपिंग लगेगी। मैं आपको टेंटेटिव अमाउंट बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता रहा हूँ, तो मतलब आइडियल अमाउंट बता रहा हूँ, बाकी अपना जो टोटल गाड़ी पे खर्चा वो 40 लाख रुपये तो होना ही होना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, मैं ऐसे आपको राउंड फिगर्स बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने पैसे दे दिए हैं पर अभी जो बिल है मैंने गगन पाजी से नहीं लिया, तो ऐसा होता है। बाकी सामान आ जाता है कस्टम क्लियरेंस में 2-3 दिन लगते हैं, उसमें कस्टम ड्यूटी ऐड होती है, फिर वो हमें कस्टम ड्यूटी पे करनी होती है, वो अपना अकाउंट नंबर देते हैं तो फिर जो सामान है एजेंट जो है वो रिलीज़ करवाता है और सामान जो है हमारे पास आ जाता है। तो इसका जब सामान आ जाएगा मैं फिर से दिल्ली आऊँगा और दिल्ली आके मैं आपको दिखाऊँगा कि हाँ भाई ये देखो ये हमारा सामान है, और ये जो सामान है बहुत एक्सपेंसिव बहुत बढ़िया और बहुत फाइन क्वालिटी का होता है और रिलायबिलिटी भी इसमें रहती है, और गोल्ड जैसे कोई बंदा पहनता है और बड़ा अपने आप में खुश महसूस करता है कि मैंने बड़ा प्रीशियस स्टोन या मैंने प्रीशियस एक मेटल पहना हुआ है, तो ऐसी ये चीज़ होती है कि ये चीज़ों से भी मुझे इतना ज़्यादा प्यार होगा कि मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया सामान मेरे पास आ रहा है और इतना बढ़िया सामान जो है मेरे पास है तो मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ उस चीज़ के बारे में। ये जो सारा काम है, ये जो सारा हमारा सपना है, ये सिर्फ MMG मूविंग मेटल गैराज गगन पाजी की वजह से ही पूरा हो रहा है, गगन पाजी और उनके फादर उनकी वजह से ही पूरा हो रहा है, नहीं तो ये कभी भी जो है पूरा नहीं हो सकता। मतलब अंकल जी को और गगन भैया को बहुत सारी नॉलेज है, इसीलिए अब ये चीज़ आप नोटिस करिए कि जो सामान है वो अमेरिका से आ रहा है, तो मतलब जो कोई भी चीज़ में लोकल नहीं डल रही है, और ये सारा जो सामान है ये वहाँ पे थिकोमा प्रिपेयर करते हैं या फिर जो रैंगलर पे प्रेप करते हैं उसमें जो है सारा सामान डलता है, बड़े बड़े डिफरेंशियल्स उनके बड़े बड़े लॉकर्स, क्योंकि जो रैंगलर का भी डिफरेंशियल आता है वो भी डेना 44 कैटेगरी का ही होता है, डेना 44 ही होता है, तो डेना 44 एक बेसिक डिफरेंशियल है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंशियल है, लेकिन जो है उसको जो आप बड़े टायर्स डाल रहे हो बड़ा इंजन डाल रहे हो तो जो डिफरेंशियल है वो वीक पड़ जाता है। जो हमारी MM550 है उसमें जो है डेना 44 आता है, और जो हमारी रैंगलर है उसमें भी डेना 44 आता है, मतलब कंपनी अलग होती है पर जो है डेना 44 आता है उसमें। तो सामान बहुत सारा है और जिस दिन वो पहुंच जाएगा वहाँ पे उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको जो है वीडियो दिखाएंगे। तो अभी जो थार के फेंडर्स आपने देखे, इस थार को हमने जो है टेम्परेरी लिफ्ट करके देखा है ताकि हम फेंडर्स की जो एडजस्टमेंट ले सकें, और इसके बाद 1 इंच और गाड़ी जो है लिफ्ट होगी। अभी 5 इंच पहले लिफ्ट थी और समझ लो कि 5 और 4 मतलब 9 इंच या 10 इंच जो है गाड़ी हमारी लिफ्ट होने वाली है, तो नॉर्मल थार से बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है। और अगर हम टायर अपग्रेड करते हैं जो हम कर सकते हैं, हमारी जो टेक्निकल गाड़ी है जो हमारी मैकेनिकली गाड़ी है वो सपोर्ट कर जाएगी अब मतलब कोई भी टायर 40 या 42, तो अभी देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि इतना सारा बड़ा टायर डाल दिया 42 इंच और हमारा मैकेनिकली कुछ मतलब सपोर्ट ही ना करें, उसके डिफरेंशियल सपोर्ट ना करें, लॉकर सपोर्ट ना करें, तो सारी चीज़ें बहुत हाई एंड लग रही हैं, बहुत ही मतलब टोटली हाई एंड लग रही हैं, इसके ऊपर कोई डिफरेंशियल नहीं बचा है हमारे पास, कोई लॉकर्स नहीं बचेंगे, तो इस हिसाब से जो गाड़ी प्रेप हो रही है। और भाई मेरे को काम था कुछ, जैसे मैंने आपको बताया वीज़ा एप्लीकेशन के लिए मैं यहाँ पे जो है दिल्ली आया हूँ, तो मैं जो आपको वो चीज़ थार के पास खड़े होकर ये नहीं समझा पाया क्योंकि एक तो जिमनी का हमने ज़रूरी काम कुछ करना था उस दिन और गगन पाजी भी बिज़ी थे, तो जो सारी डिटेल्स आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और फाइनल अपडेट ये है कि जो सामान है वो मतलब नियर बाई अगले 10 दिन में लैंड हो जाएगा हमारे पास, और मतलब मुझे लगता है 1-2 दिन में और 1-2 दिन में जो है सामान मेरी वर्कशॉप में भी आ जाएगा। तो यही कुछ है यार, बाकी आप सपोर्ट दो, कंसिस्टेंसी आ रही है YouTube पे और आएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अगर ट्रैवल व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं हमारी लाइफ के तो उसके लिए भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ट्रैवलिंग में करता रहता हूँ तो ट्रैवल व्लॉग्स भी जो हम लेके आएंगे। बाकी यार मतलब मेरे को बहुत सारे लोग वीडियोज़ भेज रहे हैं कि आपकी गाड़ी ये कर पाएगी, आपकी गाड़ी वो कर पाएगी, तो भाई जब सॉलिड एक्सल की गाड़ी हो जाएगी और इतना स्ट्रॉन्ग डिफरेंशियल रहेगा तो रॉक क्रॉलिंग तो ये बहुत आराम से करेगी, मतलब आप टेक्निकली करेंगे उसको और आपको दिखाएंगे। बाकी सारी गाड़ी बढ़िया है, हर गाड़ी मेहनत से ली जाती है। जिमनी के लिए जो
मैं बताता हूँ कि हाँ वो स्टॉक जो है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है, तो कुछ लोग उसको नेगेटिव वे में ले रहे हैं। हम सिर्फ उसकी टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं क्योंकि वो गाड़ी में कुछ दिक्कतें हैं। बाकी इंटरनेशनल मार्केट में आती है तो मारुति ने यहाँ पे स्टैंडर्ड्स डाउन क्यों किए हैं या इंटरनेशनली भी गाड़ी ऐसी ही वो देते हैं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि गगन पाती को बहुत 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 ज़्यादा नॉलेज है। और बस यही है। और एक चीज़ और जो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा सुन के कि महिंद्रा ने जो है MLD अपनी थार से निकाल लिया है और ओपन डिफरेंशियल अब महिंद्रा जो है अपनी डिफरेंशियल दे रही है। मतलब अगर ओपन डिफरेंशियल गाड़ी आएगी तो उस पर जो है मुझे नहीं पता कि थार कैसा परफॉर्म करेगी। जो MLD होता है वो होता है मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल, वो थार में आता था उसी के दम पे, जो अपनी गाड़ी भी निकलती थी और बाकी थार भी जो उसी के दम पे परफॉर्म करती थी। तो मैकेनिकल लॉकिंग डिफरेंशियल क्या करता है कि आपकी 1500 RPM पे या 2000 RPM पे जब उसको लगता है कि मेरी गाड़ी जो है स्लिप मार रही है, मेरे टायर जो है स्लिप मार रहे हैं, तो डिफरेंशियल अपने आप जो है उसकी लॉक कर देता है उसको। तो वो जो है महिंद्रा ने विड्रॉ कर दिया क्योंकि काफ़ी लोगों के नुकसान हो रहे थे। तरुण भाई की भी जो गाड़ी है वो भी मेरे को लगता है MLD की वजह से ही उनका डिफरेंशियल जो है ख़राब होता है, लेकिन उनको जो डिफरेंशियल मिला वो MLD वाला है। बाकी MLD कंपनी ने जो है डिसकंटिन्यू कर दिया, पुरानी गाड़ियों को भी टूटेगा तो नॉन MLD डिफरेंशियल आएगा। बहुत बहुत गलत बात है ये। तो बाकी अब निकलेंगे दिल्ली से जम्मू कल, तो कल का जो ब्लॉग है वो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।